यार एक बात बता सिब्बू, तूने हॉलीडे होमवर्क कर लिया क्या जो फेस्टिवल की छुट्टियों के लिए मिला था? कहाँ यार, तुझे तो पता ही है फेस्टिवल टाइम पे कहाँ ही टाइम मिल पाता है होमवर्क करने का। गिनती की चार छुट्टियाँ तो मुश्किल से मिलती है, अब उसमें भी मैं होमवर्क करने बैठूं या फिर फेस्टिवल सेलिब्रेट करूं। हाँ यार सही कह रही है, पता नहीं ये स्कूल वाले क्या सोच के हमें इतना सारा होमवर्क दे देते हैं, जैसे हम बड़ा करके ही ले आएंगे। अरे छोड़ ना, तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है होमवर्क की जब मैं नहीं ले रही हूँ तो। और वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्लास में पनिशमेंट के नाम पे हाथ ऊपर करके बाहर खड़ा करवा देंगे। अरे रह लेंगे थोड़ी देर खड़ा, और वैसे भी हमें फर्क ही क्या पड़ता है, कम से कम क्लास के बोरियत भरे लेक्चर से तो बचेंगे। सही कह रही यार, आइडिया तो बुरा नहीं है। ओहो यार तूने न्यू स्कूटी ले ली। वाव यार ज्योति, तूने कब ली है? वो ना मेरे घर वालों ने दी कल। वाओ यार तेरे घर वाले तो कितने अच्छे हैं, तेरे को स्कूटी दिला दी। और एक मेरे घर वाले हैं, मेरे को मेरी पॉकेट मनी भी रोज धोके देते हैं। अरे नहीं यार, तेरे घर वालों से महान तो मेरे घर वाले हैं, कुछ भी मांगो ना कभी नहीं दिलाते, ऊपर से अपना ज्ञान भरा भाषण और देने लग जाते हैं। लेकिन मेरे घर वाले ना तुम दोनों के घर वालों जैसे बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें जो बोलती हूँ ना मुझे तुरंत दिला देते हैं चुटकियों में। और पता है क्या, मैंने उनसे बोला मुझे स्कूल जाने के लिए स्कूटी चाहिए वरना मैं स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, और उन्होंने ना मुझे स्कूटी दे दी मेरे बड़े भाई की, और मेरे बड़े भाई को नई बाइक दिला दी। वो मुझे भी नई स्कूटी दे सकते थे, लेकिन क्या है ना मैं भी बहुत छोटी हूँ तो इसीलिए उन्होंने मुझे मेरे भाई की स्कूटी दे दी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब वो मुझे नई स्कूटी दिलाएंगे। सही है यार, फिर अब से तो ना तू, मैं और सिब्बू तेरी स्कूटी पे घर आना जाना करेंगे, कितना मजा आएगा यार। बिठाएगी ना हमें, हमारी बेस्ट फ्रेंड है ना तू। हाँ यार बिल्कुल सही कह रही है, ये कितना मजा आएगा अगर हम तीनों साथ में आना जाना करेंगे तो। अब हमारे पास स्कूटी नहीं है तो क्या हुआ, तेरे पास तो है, हम तेरे साथ तो आ जा सकते है ना। ओ हेलो, सोचना भी मत कि मैं तुम दोनों को अपनी स्कूटी पे बिठाऊंगी, स्कूटी अपनी जगह और फ्रेंडशिप अपनी जगह। अगर तुम दोनों को स्कूल जाने के लिए स्कूटी चाहिए ना तो अपने घर वालों को बोलो, मैं नहीं बिठाने वाली तुम्हें अपनी स्कूटी में, अभी तो लिए तुम दोनों ना खराब कर दोगे मेरी स्कूटी को। देखियो यार इसको कितनी बुरी है ये, बदतमीज कहीं की, एक नई स्कूटी क्या ले ली, इतना भाव खा रही है, ऐसे कर रही है जैसे इसकी स्कूटी पे बैठने के लिए मरे ही जा रहे हो। छोड़ सिब्बू, हम पैदल ही स्कूल चलेंगे, चल। पता है गोलू आज सुबह क्या हुआ, जब मैं स्कूटी से स्कूल आ रही थी ना तब ये मोटी और इसकी दोस्त दोनों मुझे रास्ते में मिली थी, और पता है क्या कह रही थी कि मुझे लिफ्ट दे दो। अरे भला मैं इस मोटी को लिफ्ट देने लग गई तो मेरी स्कूटी का टायर पंचर नहीं हो जाएगा, इसलिए मैंने बैठाया नहीं। आई बड़ा मेरी स्कूटी पे बैठने वाली, और पता है मेरी स्कूटी पे बैठने के चक्कर में मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड बोल रही थी। अरे भला मैं ऐसे लोगों को अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों बनाऊं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स तो तुम लोग हो, है ना। सिब्बू क्या हो गया, यहाँ क्यों बैठी है, घर नहीं चलना? यार सिब्बू क्या हो गया, मैं सुबह से देख रही हूँ तू बहुत ज्यादा अपसेट है, तू तो कभी भी इतनी अपसेट नहीं रहती, क्या हो गया? मैंने सोच लिया है। सोच लिया है? क्या सोच लिया है? यही कि मैं अब घर जाऊंगी और घर वालों को साफ साफ बोलूंगी कि मुझे भी स्कूल आने जाने के लिए गाड़ी चाहिए। क्या मतलब, अब तू भी स्कूटी लेगी? नहीं मैं कार लूंगी। क्या कार? हाँ कार, और जिस जिसने आज उस ज्योति के साथ मिलके मेरा मजाक उड़ाया ना उन सबको सबक सिखा के रहूंगी मैं। लेकिन यार कार तो बहुत ज्यादा कॉस्टली आती है, तेरे घर वाले इतना अफोर्ड कर लेंगे? यार वो सब तो मुझे नहीं पता, उनको अफोर्ड तो करना ही पड़ेगा, कार तो मुझे लेनी ही लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए। आ गई बेटा तू स्कूल से? हाँ मम्मी आ गई। कपड़े वपड़े चेंज कर ले और मुँह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। मम्मी एक बात बताओ, हम गाड़ी कब लेंगे? क्या?
क्या गाड़ी? क्यों, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ मम्मी, आप ना मुझे स्कूल से आने जाने के लिए गाड़ी दिला दो, 100 की सीधी बात मैं आपको बोल रही हूँ बस। लेकिन हुआ क्या है जो अचानक से तू कार की बात कर रही है? कुछ नहीं हुआ मम्मी, बस आप ना मुझे एक कार दिला दो, चाहे सेकंड हैंड ही सही, बस एक कार दिला दो बस। तेरी तबीयत तो ठीक है, क्या बहकी बहकी बातें कर रही है तू? हाँ मम्मी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और जो मैं कह रही हूँ ना वो भी बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप बस ना मुझे एक गाड़ी दिला दो। अरे मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स के पास कार है, और तो और हमारे सारे रिश्तेदार के बच्चों के पास भी कार है, बस एक हम ही है जो मेरे पास, तो क्या मेरे घर में भी कोई कार नहीं है। तो तू क्या चाहती है, हम औरों की देखा देखी गाड़ी खरीद लें? हाँ मम्मी ले लो ना, तो इसमें हर्जी क्या है, आप खुद ही सोचो, अगर अपने पास एक घर में कार होगी और आप उस कार में बैठ के मार्केट जाओगे बाजार में सब्जियां लेने, सोचो क्या इमेज बनेगी मम्मी आपकी। बेटा तू गाड़ी लेने की बात कर रही है, कोई चिप्स का पैकेट नहीं कि पास की दुकान पे गए और चिप्स ले लिए। लो अब इनकी नई फरमाइशें चालू हो गई हैं कि कार ले लो, पैसे कोई ना चने के झाड़ पर नहीं उगते, कमाने पड़ते हैं, समझी? बेटा हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तेरे पापा जितना कमाते हैं ना उतने में तुम लोगों की पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा निकल जाए, घर का खर्चा निकल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। हम लोगों के लिए ना ऑटो, ई रिक्शा, मोटरसाइकिल और स्कूटी बने हैं, ये गाड़ी वाड़ी ना बड़े लोगों के चोचले हैं, समझी? और हाँ आज के बाद ना मुझसे कारवार की बात मत करियो, समझी? हाँ तो स्कूटी दिला दो ना फिर, जब खुद कमाना ना तब ले लेना स्कूटी, स्कूटी लेंगी कार लेंगी। अरे यार मम्मी तो गाड़ी दिलाने से रही नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन करूं क्या? यार क्या कर रहा है, इतना धीरे झूला रहा है, थोड़ा तेज झूलाना। यार तू बहुत देर से झूल रही है, अब मेरी बारी है। ओ हेलो, मैंने ना तुझे पूरे 16 चक्कर कटवाए हैं, अब तू मुझे 16 चक्कर घुमाएगा तभी मैं झूले से उतरूंगी। ओ 16 चक्कर, तुझे 34 चक्कर घुमा चुका हूँ जब से। चुप हो जा, बकवास मत कर, तेज झूला जल्दी कर। यार अब मुझे झूला, चीटिंग मत कर तू, अगर तूने चीटिंग करी ना तेरे बाल खींच के मारूंगा तुझे। चुप कर। अरे सिब्बू आना, झूला झूलते है। नहीं यार तुम लोग झूल लो, मेरा मन नहीं है। अरे यार सिब्बू कब तक ऐसे मुंह लटका के सैड घूमती रहेगी, छोड़ ना। अच्छा ये बता हुआ क्या, क्या बोला तेरे घर वालों ने? यार मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरी सारी फ्रेंड्स के पास कार है, स्कूटी है, और यहाँ तक कि हमारे सारे रिश्तेदारों के पास भी कार है, हम भी एक कार ले लेते हैं ना प्लीज, लेकिन मम्मी ने मुझे साफ मना कर दिया, ये बोला कि पैसे क्या चने के झाड़ पे उगते हैं। यार देख बात तो उनकी भी ठीक है ना। क्या ठीक है, तू मेरी तरफ है या उनकी तरफ है? यार देख हूँ तो मैं तेरी तरफ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हाँ यार हम बच्चे सबके फीलिंग समझे, और हमारी फीलिंग कोई भी नहीं समझता, ये तो हम बच्चों के साथ साफ साफ नाइंसाफी है ना, भेदभाव है, षड्यंत्र है। लेकिन यार अब हम क्या कर सकते हैं, एक लास्ट ऑप्शन तो तेरे घर वाले ही थे ना, उन्होंने भी तुझे कार दिलाने से मना कर दिया। हाँ यार यही मैं भी सोच रही हूँ। अरे वैसे एक ऑप्शन है मेरे पास, तू ना किसी रिच लड़के से शादी कर ले, वो तुझे तेरी फेवरेट कार पक्का दिला देगा। अच्छा तेरे कहने का मतलब ये है कि अब मैं कार चलाने के लिए पहले किसी लड़के से शादी करूं, तब जाके मैं कार चलाऊं। तू ना ये घटिया सा आईडिया अपने पास ही रख, लगता है अब मेरा कार चलाने का सपना सपना ही रह जाएगा। सिब्बू तुझे कार चलानी है क्या? हाँ मिक्की। अरे यार इतनी सी बात के लिए परेशान है तू, देख कुछ वक्त बाद ना मैं एक बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा, उसके बाद मैं लूंगा एक महंगी सी गाड़ी, उसमें तू एक राउंड घूम लियो, खुश हो जाइयो। तू ना अगर मेरा दोस्त नहीं होता ना तो ऐसे झूले पे तेरे को उल्टा लटका देती। अरे सिब्बू सुन तो, सुन ना, क्या किया तूने, कर दिया ना बेचारी को नाराज, अब तू झूल ले इसमें अकेला। अरे मुझे तो झूला के जा। अबे यार एडिडास के पजामे और इन लड़कियों के ड्रामे सालों साल चलते हैं, झुला के भी नहीं गई, अकेले ही झूल लूंगा। Such a boring day, such a boring people. हमारे घर के आगे
स्पोर्ट्स कार, ये किसकी हो सकती है? हाय, अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं सुपर कार देख रही हूँ, पर ये हमारी पार्किंग में खड़ी है, कहीं हमारी तो नहीं? हाँ याद आया, मैंने मम्मी से बोला था कि मुझे कार दिला दो, मम्मी ने उस वक्त तो मना कर दिया, पर मुझे सरप्राइज देने के लिए कार ले आई, वो भी सुपर कार। हे भगवान, चल के अभी मम्मी को थैंक यू बोलती हूँ। BMW, मम्मी 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 मम्मी। ये सिब्बू के पापा फोन क्यों नहीं उठाते हैं? इतनी देर से फोन कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। हाल हो ना फोन। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। मैंने आपसे एक नॉर्मल कार मांगी थी और आप मेरे लिए सीधा स्पोर्ट्स कार ही उठा लाए। आई लव यू मम्मी, आप बेस्ट मम्मी हो। आपको पता है मैं आपके बारे में क्या क्या सोचती थी? कि आप खड़ूस हो, कंजूस हो, लेकिन नहीं मम्मी, आज आपने प्रूफ कर दिया कि मैं गलत थी और आप सही थे। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और आप बहुत स्वीट हो। एक मिनट, क्या हो गया? सही से बताएगी? अरे मम्मी, अब आप इतने भोले क्यों बन रहे हो, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। हाँ नहीं पता है, तू बता दे। अच्छा तो मम्मी आप कह दो कि नीचे जो स्पोर्ट्स कार है वो मेरे लिए नहीं है। अच्छा वो? हाँ लेकिन वो तेरे लिए थोड़ी ना है। क्या, फिर किसके लिए है वो? किसी के लिए नहीं है, वो तेरे पापा के बॉस है ना, कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ इंडिया गए हैं, तो जल्दी जल्दी में उन्हें पार्किंग नहीं मिली, तो वो अपनी गाड़ी हमारे घर के नीचे कुछ दिनों के लिए खड़ी करके गए हैं। वो 3-4 दिन बाद आएंगे और अपनी गाड़ी लेकर चले जाएंगे। मतलब मम्मी, वो नीचे जो स्पोर्ट्स कार खड़ी है वो मेरे पापा के बॉस की है, मेरे लिए नहीं है। बोल दो मम्मी कि ये झूठ है। झूठ नहीं, सच है। देख सिब्बू, उस कार से कोई मस्ती मजाक नहीं, बहुत महंगी कार है, 1 करोड़ से कम की नहीं होगी। अगर उसको कुछ हो गया तो तेरे पापा अपने बॉस को क्या बोलेंगे, किसको क्या मुंह दिखाएंगे? देख, तू उसके पास नहीं जाएगी, उसको हाथ तक नहीं लगाएगी, समझी? समझ गई ना? क्या यार, जिंदगी में पहली बार मेरे घर पे कार आई, वो भी किसी और की निकली। एक मिनट, आइडिया यार, गाड़ी किसी की भी हो पर 3-4 दिनों तक के लिए तो मेरे ही घर पे है ना। एक काम करती हूँ, चुपचाप से कार उठाऊंगी और कल स्कूल लेके निकल जाऊंगी। मम्मी को क्या ही पता चलना है मम्मी कौन सा पार्किंग में जाके देख रही है, और स्कूल में भी क्या ही किसी को पता चलेगा कि वो कार मेरी है या किसी और की। ये सही है सिब्बू, कल स्कूल में फुल टोरा और फुल हवाबाजी हो जाएगी। घर वाले कार नहीं दिला रहे, फिर ये स्पोर्ट्स कार किसकी है? अरे यार अपनी है, तू आ बैठ तो सही, बाद में सब बताती हूँ, आ जा। ठीक है। साइड देना। अरे बच्चा लोगों ने इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है, कहीं कोई लड़ाई तो नहीं कर लिया?
अरे मोरी मैया, ये तो कार नहीं हाहाकार है, लेकिन इतनी महंगी गाड़ी यहाँ लाया कौन होगा? प्रिंसिपल? अरे ना ना, उसकी इतनी औकात कहाँ, वो इतनी महंगी गाड़ी लेकर आएगा, देखे तो कौन लाया है। अरे वाह, मत चलो, चल निकलो यहाँ से, निकलो। अबे ओ, तुमको स्पेशल कार्ड देंगे, भाग यहाँ से। अरे भैया, सिब्बू मेरी दोस्त है, मैं भी बैठूंगा गाड़ी में। दोस्त? हाँ माना, मैं तेरी दोस्त हूँ, पर क्या तू अब गाड़ी के बोनेट पे बैठेगा? अरे ये स्पोर्ट्स कार है, टू सीटर कार है, इसमें सिर्फ दो ही लोग बैठ सकते हैं, और ऑलरेडी मेरी बेस्ट फ्रेंड ऐश्वर्या यहाँ पे बैठ चुकी है। चल से आ गया हीरो बनने के लिए। अरे सिब्बू दीदी, पहचाने, हम आपके स्कूल के गार्ड बाबू। हाँ हाँ गार्ड भैया, मैं अच्छे से जानती हूँ आपको, आप हमारे स्कूल के इकलौते चौकीदार हो। अरे गार्ड भैया, जरा ये रास्ता साफ करवाओ, मुझे अपनी स्पोर्ट्स कार पार्क करनी है। अभी करवा देते हैं। ए बच्चा लोग, चलो रास्ता खाली करो, तो हटो यहाँ से। ज्योति दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपनी स्कूटी ना जरा बाहर खड़ी कर लीजिए। वो क्या है ना कि ये जो जगह है अब स्पोर्ट्स कार के लिए रिजर्व हो गई है। ठीक बोले। क्या बात है, गाड़ी हो तो सिब्बू दीदी जैसी गाड़ी हो, वरना ना हो। सिब्बू यार, तूने ये गाड़ी कब ली? सिब्बू यार प्लीज, मुझे भी राइड करा दे प्लीज। यार सिब्बू, तूने ऐश्वर्या को तो राइड करवा दी, मुझे भी राइड करवा। सिब्बू प्लीज, सबसे पहले तू मुझे राइड करा दे, क्लास में जब तू बात करेगी मैं बोर्ड पे तेरा नाम भी नहीं लिखूंगी। अरे यार सिब्बू, क्या सोच रही है, हमें भी करवा देना राइड। अरे सिब्बू दीदी, अपना आँख खोलिए, देखे सारा बच्चा लोग को हम भगा दिए हैं। थैंक यू गार्ड भैया, आज से ना आप सिर्फ हमारे गेट की नहीं मेरी कार के भी चौकीदारी करोगे। कर लेंगे। ये लो 10 रुपए। 10 रुपया? क्या हुआ भैया, कम है क्या? नहीं नहीं, काफी है, इससे कम से कम एक दिन का बीड़ी का बंडल तो आ ही जाएगा, बस रोज रोज देते रहिएगा। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। यार सिब्बू सुन ना, जैसे ऐश्वर्या तेरी बेस्ट फ्रेंड है, प्लीज मुझे भी अपनी बेस्ट फ्रेंड बना ले। हाँ यार, मुझे भी अपना दोस्त बना ले। यार सिब्बू, बेस्ट फ्रेंड एक ही थोड़ी होता है, बेस्ट फ्रेंड तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, जैसे कि मैं, मुझे भी अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले। ओ, बेस्ट फ्रेंड बनेगा तू? सिब्बू का बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मैं हूँ। सिब्बू तेरा बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ ना, मैं देख तेरे लिए कितनी हेल्प करता हूँ, तेरी कितनी केयर करता हूँ। तुझे प्यास लगी है ना? ओए चल चल, खड़ा हो, पानी की बोतल लेकर आ, जल्दी जल्दी जा, भूख भी लगी है ना, देख मुझे पता था। ओए तू वहां से खड़ा हो जल्दी, नीचे कैंटीन से पेटीज लेकर आ जा, और पैसे मेरे वाले में लिखवा दियो, जा जल्दी जा। देख मैं तेरी कितनी केयर कर रहा हूँ, अब एक राउंड गाड़ी का मुझे भी लगवा दियो ना। अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, सिब्बू की सबके सामने बेइज्जती करके, मुझे क्या पता था कि ये स्पोर्ट्स कार ले आएगी। अब देखो सारे के सारे बच्चे ना इसके दोस्त बन गए, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और यहाँ पे मैं अकेली बैठी हूँ। एक काम करती हूँ, जाके ना उसे सॉरी बोल देती हूँ, कम से कम अपनी स्पोर्ट्स कार में एक दो राइड तो करवा ही देगी ना। यार सिब्बू कल के लिए सॉरी, मैंने सबके सामने कल तेरी बेइज्जती कर दी थी ना, पर मुझे क्या पता था मेरी बेइज्जती के बाद तू आज स्कूल में सुपर कार ले आएगी। हाँ तो तुझे ये सब मेरी बेइज्जती करने से पहले सोचना चाहिए था ना, और वैसे भी अगर मैं आज स्कूल में कार लेकर नहीं आती तो तुझे तो तेरी गलती रियलाइज ही नहीं होती,
और तुम मुझे सॉरी बोलती ही नहीं। थैंक यू सो मच सिब्बू, तेरी स्पोर्ट्स कार में राइड करके तो मुझे मजा ही आ गया, और तेरी वजह से जो स्कूल में हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिला ना, उसकी तो बात ही अलग थी। थैंक यू सो मच। अच्छा चल ठीक है, कल मिलते हैं स्कूल में। हाँ बाय बाय। तुझे मना किया था ना, ये कार हमारी नहीं है, तो किससे पूछकर इसको हाथ लगाया, किससे पूछकर कार बाहर निकाली? अगर कुछ हो जाता तो? अरे मम्मी कुछ भी नहीं होता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे नहीं, अगर इस कार को कुछ हो जाता तो? कार को? अरे मम्मी कार को भी कुछ नहीं होता, देखो ना बिल्कुल ठीक है, सेफ खड़ी है यहाँ पे। पर मम्मी आप सोच के देखो, ये कार अपने घर पे खड़ी खड़ी क्या करती, और वैसे भी पापा के बॉस कौन सा इसको अभी लेने आ रहे हैं, और आपको पता है मैं इस कार को स्कूल लेके गई थी, लोग कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे मेरी। बेटा वो तेरी नहीं, इस कार की रिस्पेक्ट कर रहे होंगे। अरे मम्मी कुछ भी और रिस्पेक्ट तो मिल रही थी ना मेरे को, अरे कितना अच्छा लग रहा था मम्मी, सारे बच्चों के साथ साथ मैडम भी मेरे को कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछ रही थी, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही थी। और आप ये सब छोड़ो, आप खुद सोचो मम्मी, अगर आप भी इसी कार में बैठ के बाहर जाओगे मार्केट में, तो आपका अलग ही टोरा बन जाएगा मम्मी अपनी सोसाइटी में। सोसाइटी की सारी औरतें आपको ना जानते हुए भी हाय हेलो करके जाएंगी, सोचो सोचो मम्मी। बोल तो तू ठीक रही है बेटा, वैसे भी तेरे पापा के बॉस एक दो दिन बाद इस कार को लेके जाएंगे, तब तक तो हम इस कार को यूज ही कर सकते हैं ना। एक काम कर सिब्बू, तूने यूनिफॉर्म चेंज करके अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जा, फिर हम माँ बेटी ना इस गाड़ी में बैठकर खूब शॉपिंग करेंगे, पड़ोसियों को जलाएंगे, और वैसे मैं भी तो देखूं इस सुपर कार में बैठ के कितना मजा आता है। अब वो प्रीति की मम्मी है ना, उनको तो बुला बुला के चलाऊंगी, बड़ी तारीफें कर रही थी हमारी न्यू गाड़ी आ गई, अब दिखाऊंगी मेरी न्यू सुपर कार। चुप से हाँ, चल चल। अच्छा अच्छा मिलाती लड़कियाँ, हथ गाती लड़कियाँ, खिल खिलाती लड़कियाँ, जरा आगे निकल के नए रंगों में ढल के। और मम्मी मजा आ रहा है ना? मजा आ गया, मजा बहुत मजा आ रहा है। मम्मी बोलो तो स्पीड बढ़ाऊं? हाँ हाँ बढ़ाना, स्पीड बढ़ा। ये मम्मी मैंने तो आपको पहले ही बोला था, सुपर कार में बैठोगे ना तो अलग ही वाइब आएगी। जगमगाती लड़कियाँ, ये झिल मिलाती लड़कियाँ, हथगाती लड़कियाँ, खिल खिलाती लड़कियाँ, जरा आगे निकल के
आपने देखा था वो गार्ड भैया मैं कैसे देख रहे थे जब हम सोसाइटी से बाहर निकल रहे थे तो। बाय हमारी न्यू गाड़ी। अच्छी है ना? ये देखो हमारी सुपर कार। हेलो। अच्छा मम्मी आप बोलो तो सब्जी मंडी लेकर चलूं। हाँ हाँ ले चल ले चल और मॉल भी जाएंगे फिर। चल 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 चल। आज पहली बार मैं सुपर कार में सोए टिंडे भिंडी सब कुछ लेकर आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं मम्मी क्या यार सुपर कार में भी बैठ के तोरे भिंडी टिंडे लोगे क्या? आप ना वो कुछ मेरी फेवरेट लेना। अच्छा ठीक है तेरी फेवरेट मैक्रोनी और चीज पास्ता ही सब कुछ ले लूंगी। ठीक है अब तो कुछ चला तो चल 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 जल्दी जल्दी मार्केट में लगा ले चल। सिब्बू ये ना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट है। इतना मजा आ रहा है ना सच्ची में। तूने ना सही आइडिया दिया था मुझे। मम्मी वो देखो हमें सब कैसे देख रहे हैं। वो देखो वो आंटी भी देख रही है वो भैया भी देख रहे हैं। ओए 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 देख 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 कैसे जल गई। गाय पल पल ये जिंदगी छाई छाई हो दिलकशी। Girls like to swing. और मम्मी मजा आया ना सुपर कार में राइड करके? बहुत मजा आया। वो तो ना तूने एंड में इतनी स्पीड में गाड़ी चला दी 2 सेकंड तो मेरी सांस ही रुक गई थी। बस अब ये तेरे पापा और उनके बॉस को ना पता चल जाए और गाड़ी भी ना हम सही सलामत लेकर आ गए हैं। बेटा पियो पियो चाय पियो। अरे नहीं नहीं आंटी जी चाय की कोई जरूरत नहीं है। बाकी पापा ने स्पेशल बोला था कि आपका और अंकल जी का थैंक यू बोल दूं क्योंकि आपने मेरी गाड़ी का इतने दिन के लिए ध्यान जो रखा। चलो अभी मैं चलता हूँ ठीक है। अच्छा बाय द वे गाड़ी में कोई स्क्रैच या फिर कोई डैमेज तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं रचित तुम्हारी कार तो बिल्कुल ठीक है जैसा कि अंकल छोड़ के गए थे। अच्छा चलो ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। स्पीड का चलान वो भी मेरी गाड़ी का? अरे ये कैसे हो सकता है? मेरी गाड़ी तो 3-4 दिन से यहीं खड़ी थी ना तो ये स्पीड का चलान कैसे आ गया? रचित वो तुम्हारी कार का चलान मेरी वजह से हुआ है। प्लीज तुम अपने पापा को मत बोलना वरना तुम्हारे पापा मेरे पापा को बोल देंगे। इसका मतलब मेरी कार तुमने यूज करी और चलान भी कटवा दिया वो भी पूरे 25,000 का। 25,000 का? अब क्या होगा? होना क्या है इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मम्मी बच गए रचित के पास है सोल्यूशन। अच्छा बेटा क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि ये चलान अब मैं अपने पापा के पास भेजूंगा और मेरे पापा ये सारे पैसे तुम्हारे पापा की सैलरी से एडजस्ट कर लेंगे फिर पता लगेगा आप लोगों को। अब सिब्बू तुझे बोला था ना मत छू कार अब तो तू कहीं। मेरी गाड़ी गाड़ी सूट मसूट चल है अजून आवे।